गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 247 में। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आरएएस का पेपर, एग्जामिनेशन के पेपर, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस में से जीएस के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट यहाँ पे सेशन शुरू करते हैं। अगेन दिस सेशन इज लाइव, सो आई कैन सी ऑल योर कमेंट्स। मुझे बिल्कुल यहाँ पे चैट बॉक्स में सबका कमेंट्स दिख रहा है, ठीक है। चलिए, सो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ हमारे स्क्रीन पे दिखा दिया जाए, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द हिस्टोरिक मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन वॉज हेल्ड इन जून 2018। अब किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप, जो कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लराइज करने के लिए दोनों के बीच का जो मीटिंग हुआ था, ये मीटिंग कहाँ हुआ था? तो ये मीटिंग हुआ था सिंगापुर में। वन इज़ द करेक्ट आंसर। दो जो है यहाँ पे पेनयोंग, वो बेसिकली नॉर्थ कोरिया का आपका कैपिटल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन बिल्कुल सही है। अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज 22nd एडिशन ऑफ मालाबार ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ट्राइलेटरल मतलब तीन पार्टी यहाँ पे है। वॉज हेल्ड इन जून 2018। बिसाइड्स इंडिया, अदर टू कंट्रीज टुक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। अब एक तो हो गया आपका ट्राइलेटरल में इंडिया, दो और यहाँ पे कौन है? तो दो और जो यहाँ पे है वो है हमारा जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो स्क्रीन पे दिखा दिया जाए कि इधर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट हैज दिस गिवन टू लॉन्च अ स्टार ग्राम पंचायत रेनबो स्कीम टू गिव स्टार रैंकिंग टू पंचायत PM बेसिस ऑन सोशल पैरामीटर्स। कुछ सोशल पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि स्टार ग्राम पंचायत हम इसको देंगे। तो रेनबो है, तो बेसिकली इसमें 1, 2, 3 और यहाँ से आपका एक और यहाँ से आपका एक और। सो देर इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसमें से गोल्डन जो है वो है आपका गुड गवर्नेंस के लिए गोल्डन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया है? सेक्स रेशियो के लिए पूछा गया है। सो ऑब्वियसली सेक्स रेशियो के लिए क्या है? पिंक इज़ फॉर योर सेक्स रेशियो। सिल्वर जो है वो है ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, तो सिल्वर इज़ बेसिकली फ्रॉम डेवलपमेंट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ग्रीन जो है वो हरियाली के लिए है, सो ग्रीन इज़ फॉर योर एनवायरमेंट एंड योर हरियाली। इसके अलावा सेफ्रन है, वो क्राइम्स को रोकने के लिए, पीस लेके आने के लिए आपका सेफ्रन है। और बाकी दो कलर्स आप हमें बताइएगा कि बाकी दो और कलर्स क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर क्या हो गया? पिंक स्टार। विच स्टेट हैज स्टार्टेड स्कीम कन्या वन समृद्धि योजना। कन्या को भी देखना है और वन एनवायरमेंट को भी देखना है। तो इस योजना को किसने स्टार्ट किया है? वुमेन का एम्पावरमेंट होगा और ट्रीज का प्लांटेशन होगा। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है, जब रेशियो निकाला गया तो कन्या का सिचुएशन, वुमेन का एम्पावरमेंट कम देखने को मिला और जो ग्रीनरीज है उसको भी काटते हुए नज़र वहाँ पे आया। तो दोनों को मिला के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोर्ट ने भी कहा था कि आप इसके ऊपर ध्यान दो, एंड एज अ रिजल्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आए कन्या वन समृद्धि योजना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ महाराष्ट्र इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारे कंप्यूटर जी फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। बांग्लादेश हैज वोन द वुमेन क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी हेल्ड इन मलेशिया इन जून। विच टीम वॉज डिफीटेड इन द फाइनल्स। अभी जून में वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप हुआ था वुमेन्स के लिए, और बांग्लादेश जो है इसमें जीत गया था। अब उसने किसे हराया? ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स का जो पूछा गया, किसे हराया से पूछा गया। सो आपके अभी एग्जाम में, जो अभी आपका जो भी एग्जाम आने वाला है, उसमें सेम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि वेरी गुड करंट अफेयर्स क्वेश्चन आर देयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत को हराया। तो जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान नहीं है, अजय प्रसाद, बिल्कुल इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर जी थोड़ा जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हर एक बार, ठीक है। इन मार्च 2018 राजस्थान गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट मेगा फूड पार्क। 42 मेगा फूड पार्क बनने का पूरा प्रपोजल है, जिसमें से फर्स्ट को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट। किसके अंदर? राजस्थान के अंदर। अब इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए। इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अच्छा,
सो फर्स्ट इज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिनका नाम क्या है? हरसिमरत कौर बादल. बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर. दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन है, तो बिल्कुल सही है, और उन्होंने इनॉग्रेशन किया. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज स्मार्ट मेगा फूड पार्क. नहीं, स्मार्ट एक दूसरा वो है कि स्मार्ट फूड पार्क, जिसमें एग्रीकल्चर और स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अच्छा हम लोग बनाएंगे, तो वो इसमें नहीं है, है ना? तो दोनों का नहीं कोई रिश्ता है. इट इज़ लोकेटेड एट रूपनगर विलेज नियर अजमेर. बिल्कुल सही स्टेटमेंट. तो अगर बी यहाँ पे गलत हो गया, सही आंसर क्या हो गया? ए एंड सी. तो स्क्रीन पे दिखा दिया जाए, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर. फोर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग हाउ मच सोलर पावर कैपेसिटी बाय द ईयर 2022. 2022 तक हम लोग सोलर पावर हब बनना चाहते हैं, दूसरों को भी सोलर पावर प्रोवाइड करना चाहते हैं, खुद भी सोलर पावर हब बनना चाहते हैं. तो इसमें हमारा टारगेट है 100 गीगा वॉट इज द टारगेट. सो 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इंडियाज दीपिका कुमारी वोन दी गोल्ड मेडल इन वुमेन्स. अच्छा, एक क्वेश्चन रह तो नहीं गया बीच में? ठीक है, रिसेंटली, हाँ ठीक. रिसेंटली इंडियाज दीपिका कुमारी वोन दी गोल्ड मेडल इन वुमेन्स रिक्योर्व इवेंट एट दी आर्चरी वर्ल्ड कप. सभी लोगों को पता होगा दीपिका कुमारी ने इसको जीता. क्वेश्चन ये है कि ये वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था. अब जितने लोगों को काउंट्री कैपिटल के बारे में पता है, यूटाह US का एक स्टेट का आपका बेसिकली कैपिटल है, तो आप मुझे ये बताइए कि कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था. एनीबडी हु विल गिव द फर्स्ट करेक्ट आंसर. यहाँ पे सबसे पहला करेक्ट आंसर किससे मिलेगा? SK लेक सिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट. सॉल्ट लेक सिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 4 दिखा दिया जाए स्क्रीन पे, सही आंसर है. आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा द नंबर ऑफ वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रीच्ड 2. हु इज अनदर वुमेन जज? पहला क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट में सबसे पहली महिला वुमेन जज का नाम क्या है. पाकिस्तान हाई कोर्ट में सबसे पहली वुमेन जज का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1. इंडिया के अंदर फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज क्या नाम था? फातिमा बीवी. आप सभी लोग कमेंट करके मेंशन कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पाकिस्तान हाई कोर्ट के अंदर फर्स्ट वुमेन जज का नाम. अब देखते हैं आंसर में लिखा है आर भानु, प्रवीण कुमार ने लिखा है, और इसके अलावा जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 लिखा है, दैट इज़ योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. मोनाली मोना, बिल्कुल सही आंसर है 1, दैट इज जस्टिस आर भानुमति. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यूसुफ सलीम, अच्छा यहाँ पे आपका बात किया गया है यूसुफ सलीम के बारे में. ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, हु इज़ ही, वो कौन है? ही इज़ कप्टेन ऑफ द कबड्डी टीम ऑफ पाकिस्तान, नहीं. कप्टेन ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान, नहीं. फर्स्ट एवर विजुअली इम्पेयर्ड जज ऑफ पाकिस्तान, मतलब देखिए इसी सीक्वेंस का क्वेश्चन है, तो वो पाकिस्तान से पहले विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब जिसको देखने में दिक्कत है, ऐसे जज है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज 100th स्मार्ट सिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. विच इज द सिटी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने निम्नलिखित में से कौन से सिटी को 100th स्मार्ट सिटी का खिताब रिसेंटली दिया है, तो वो कौन सा सिटी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर? मैं आपको हिंट दे दूँ, जिसका कैपिटल मेघालय है वही आपका आंसर है. स्क्रीन पे दिखा दिया जाए, करेक्ट आंसर इज शिलोंग, मेघालय. लेट अस गो ऑन. 24th June 2018 इंडियाज टीम ऑफ 4 पैरा स्विमर्स क्रॉस द इंग्लिश चैनल इन रिकॉर्ड टाइम ऑफ 12 hours and 26 minutes. वैसे 12 hours and 26 minutes में जो पहुंच गए थे वो थे आपके मध्य प्रदेश के सत्येंद्र सिंह. तो सबसे पहले सत्येंद्र सिंह मध्य प्रदेश के, वो 12 hours 26 minutes में पहुंच गए थे. आउट ऑफ देम वन वॉज फ्रॉम राजस्थान, जो राजस्थान से थे उनका नाम क्या था? सो राजस्थान से जो थे उनका नाम क्या था, कोई यहाँ पे सबसे पहले बता सकता है हमें सही आंसर? सो ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे जितने लोगों ने नहीं लिखा है
सत्येंद्र सिंह ने सबसे पहले इसको कंप्लीट किया था, और वीरेंद्र कुमार जो है वो आपका बेसिकली राजस्थान से कौन है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो राजस्थान से कौन है ये आप लोग मेंशन कीजिएगा। चलिए इसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक बार क्वेश्चन को फुल स्क्रीन कर दिया जाए, क्वेश्चन को एक बार फुल स्क्रीन पे कर दिया जाए। हाँ आ जाइए एक बार स्क्रीन पे। अच्छा तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द डॉक्टर कृष्णा जखार ऑफ राजस्थान हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य एकेडमी प्राइस फॉर राजस्थानी ट्रांसलेशन 2017। शी वॉज अवॉर्डेड द प्राइस फॉर विच वर्क, कौन से काम के लिए उनको ये प्राइस मिला? तो उनको ये प्राइस मिला है गाथा तिस्ता पर्री। तो कौन से के लिए उनको मिला है? तो थ्री ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 राइटर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर साहित्य एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018। हु एमोंग देम इज सिलेक्टेड फॉर राजस्थानी लैंग्वेज? 23 लोगों को सिलेक्ट किया गया है साहित्य एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए, इसमें से कौन है जिसे राजस्थानी लैंग्वेज के लिए सिलेक्ट किया गया है? तो आंसर क्या हो गया, CL संकल्प को यहाँ पे राजस्थान से उनको सिलेक्ट किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 स्क्रीन पे दिखा दिया जाए इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, थोड़ा सा इधर अगर हम लोग ला सके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसिडर कीजिए। द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द फंडिंग प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज में कौन पैसा दे रहा है कौन पैसा ले रहा है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सही बात है, नहीं तो कहीं से भी कहीं पर भी पैसे का घोटाला हो सकता है। Only the political parties recognized by the election commission which secured not less than 2% of the votes polled in the last general election to house the people or the legislative assembly of the state shall be eligible to receive the electoral bonds. ऐसा नहीं है, पार्टी के फंडिंग के लिए जो नया पार्टी है उसको भी भाग लेना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट इलेक्शन में आपका इतना परसेंट आना पड़ेगा तभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकोगे, कहाँ से आपका पैसा आएगा उसके लिए एलिजिबल होगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। बिल्कुल सही, 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड डिपॉजिटेड बाई एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड ऑन द सेम डे। तो सेम डे वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो जो सही स्टेटमेंट्स हमारा निकल के आया वो कौन सा है, ए है, सी है और डी है। तो स्क्रीन पे दिखा दिया जाए सही आंसर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट? रिसेंटली कौन सा स्पेस एजेंसी है जिसने सबसे स्मॉलेस्ट रॉकेट को कैरी करने का व्हीकल आपका बनाया है, ठीक है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट, रॉकेट का आविष्कार किया है जो सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, नहीं तो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट बनाने के लिए भारत के अंदर कुछ बच्चों को मिला था, हालांकि उनका सैटेलाइट पानी में गिर गया था, देन दे रिकवर्ड इट अगेन, तो वो आपका एक अलग स्टोरी है। तो इसमें जापान के अंदर कौन सा है, चाइना के अंदर कौन सा है, यूएस के अंदर कौन सा है, इंडिया के अंदर कौन सा है? इसरो इंडिया, JAXA दैट इज़ फॉर जापान, नासा USA, NCN इज फॉर चाइना। तो इसमें से जापान में इस चीज़ को बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements are not true about Shreni system of ancient India? Shreni system क्या होता था, मैं एक trader हूँ तो सब traders को मिला के एक आपका traders association बना दिया जिसे हम लोग guild कहते थे। उसी तरीके से faculty लोगों ने मिलकर एक मान लीजिए faculties का association बनाया, student लोगों ने मिलकर student union बना लिया। So Shreni system is basically for traders का ये system होता है, ठीक है? Shreni used to control the conduct of its members, ठीक है? हाँ
ऑब्वियसली जो मेंबर्स होंगे उसको आप लोग कंडक्ट करने के बारे में सोचेंगे. श्रेणी वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस, बिल्कुल सही. श्रेणी सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट ओनली इन नॉर्दर्न इंडिया. देखिए इसका प्रिवेलेंस जो है साउदर्न इंडिया में भी था, ठीक है. और क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स वेर डिटरमाइंड एंड यू नो इट वॉज कंसर्न ऑफ द श्रेणी, बिल्कुल सही. अब देखिए इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 4 है वो तो बिल्कुल सही है. जो 3 है ना कि श्रेणी सिस्टम, ये साउथ इंडिया में भी था. और दूसरी बात, मेंबर्स का कंडक्ट को बिल्कुल कंट्रोल कर ऐसा भी नहीं था, कहीं कहीं ये फ्लेक्सिबल भी था. तो 1 और 3 दोनों ही वैसे करेक्ट आंसर होगा, पर हम इसमें 3 के साथ जाएंगे. दैट इज श्रेणी सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट ओनली इन नॉर्दर्न इंडिया. आप चाहो तो 1 को भी टेक कर सकते हो जब तक आंसर्स आ जाए, बट 3 इज अ मोर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसमें 1 आ गया पीपीटी में, बट 3 आपका ज़्यादा करेक्ट है. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान ई अर्ज इन दिल्ली सल्तनत. दीवान ई अर्ज डिपार्टमेंट को किसने बनाया है दिल्ली सल्तनत में? तो इसको बलबन ने क्या किया था, दीवान ई अर्ज को बनाया था. सो इट वॉज योर बेसिकली बलबन. तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, हाँ, बलबन ने और क्या किया था? जो आपका 40 वाला सिस्टम था उसको बलबन ने अबॉलिश किया था. दैट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन. अच्छा, नेक्स्ट में आपको मैच द फॉलोइंग करना है. देखते हैं सुंग डिनेस्टी, जिसका शुंगा डिनेस्टी, कहाँ पे बेसिकली आपका ये लोकेट होता था? दिस वाज इन द रीजन ऑफ पाटलिपुत्र, है ना. द नेक्स्ट इज योर सतावाहना डिनेस्टी. तो सतावाहना डिनेस्टी के लिए कौन सा उनका लोकेशन था? दैट इज बेसिकली योर, अब ऑप्शंस में से और देखते हैं, कादम्ब. तो आप 2 और 4 में आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाओगे. तो आपको सिलेक्ट करना है बेसिकली सतावाहना के लिए और कादम्ब के लिए. तो सतावाहना के लिए क्या हो जाएगा? बी के साथ इधर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3. तो दैट विल गिव यू 2 एज द करेक्ट आंसर. तो स्क्रीन पे दिखा दिया जाए, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि सुंगा डिनेस्टी पाटलिपुत्र, है ना, ये तो आपको पता है. पुष्यमित्र सुंगा मार के शुंगा डिनेस्टी पाटलिपुत्र पे कब्जा, है ना. तो एटलीस्ट वहाँ तक तो आप पहुँच ही जाओ, 50-50 तक तो पहुँच ही जाओ. विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर आर ट्रू. इसमें से टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पकड़ना है. पहला स्टेटमेंट, द फ्री स्टैंडिंग मॉर्टर एंड स्टोन टेम्पल वॉज सपोज टू हैव बिन ओरिजिनेटेड इन द गुप्ता पीरियड. मतलब फ्री स्टैंडिंग, अपने आप में स्टैंड करता हुआ एक टेम्पल, है ना, उसमें ऐसे पिलर्स बने हुए होंगे और उसमें टेम्पल बना हुआ होगा, गुप्ता पीरियड में शुरू हुआ था. ठीक है, लदखन विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल बिलोंग्स टू चालुक्य ऑफ बदामी. ठीक है, इन खजुराहो टेम्पल ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द पीपल आर कनेक्टेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली. मतलब वो जितने भी वहाँ पे कंपोनेंट्स हैं उनको इंटरनली और एक्सटर्नली कनेक्ट किया गया है. कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज द अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल ऑफ योर द्रविड स्टाइल. अब इसमें से जो कैलाशनाथ टेम्पल है ना ऑफ कांची पूछा गया है, इलोरा नहीं. ठीक है, तो पहली बात तो कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची पूछा गया है. नाउ कभी भी द्रविड अगर आपका उधर ऐसे मेंशन है क्वेश्चन में, सो वन थिंग यू विल प्लीज नोट दैट जो आपका ऊपर हिमालय से लेके यहाँ पे विंध्यास तक जितना आपका ये रेंज है, यहाँ पे नॉर्दर्न स्टाइल के टेम्पल्स बनेंगे. तो इस रीजन में हम लोग नगारा स्टाइल के टेम्पल्स बोलेंगे. वही आपका इधर कृष्णा नदी से कावेरी, कृष्णा से लेके कावेरी हम बोलते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. तो यहाँ कृष्णा से कावेरी के बीच जितने टेम्पल्स होंगे उसको बेसिकली हम लोग द्रविड़ा स्टाइल के टेम्पल्स बोलेंगे. ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि इधर आपका विंध्यास से लेके कृष्णा तक के टेम्पल्स को, इस रीजन के टेम्पल्स को हम क्या बोलेंगे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा. तो जो चौथा एग्जांपल है दैट इज़ कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज़ द अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, दिस इज़ योर मोस्ट प्रोबेबली दैट इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कहीं किसी भी बुक में वी डू नॉट, ऐसा कोई एक एविडेंस नहीं दिया हुआ है कि कैलाशनाथ ही सबसे ओल्डेस्ट है, बट वही फेमस एग्जाम्पल हर केस में दिया जाता है. तो 4 इससे आपका सही हो जाएगा. अब बचा क्या, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 में से आपका 1 और 2 दोनों में है, तो आपको 2 और 3 में से गलत निकालना है. तो 2 तो सही है, तो इसीलिए वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर 4. दैट इज 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर, है ना. तो इसके साथ हम लोग जाएंगे, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच अबाउट इंस्टीट्यूशन एंड फाउंडर. सबसे पहला है सोशल सर्विस लीग, एन एम जोशी ने इसको निकाला था. नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्रीराम वाजपेयी. तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत है. सी जो है सभी को पता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाया था. सेवा समिति जो है वो एच एन कांजरू ने बनाया था. तो टू इज दी वन विच इज नॉट करेक्टली मैच. सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन मोस्ट प्रोबेबली दे मीन अबाउट द साउथ इंडिया वाला जो आपका सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन था. तो देयर वॉज अ पर्सन जिनको राजू, लाइक साउथ इंडिया में गोपू गारू इस तरीके से बुलाया जाता है ना, तो ही हैड सम सॉर्ट ऑफ दैट नेम फॉर योर दैट राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन. तो एक साउथ इंडियन सा नाम उसमें था, तो नॉट सम वाजपेयी. ठीक है, साउथ इंडिया राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन साउथ इंडिया, बट वाजपेयी इज अपियरिंग लाइक योर नॉर्थ इंडिया बिहार. सो दो बोथ आर नॉट मैचिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ओके, द रिवोल्यूशनरी हु वॉज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंज बॉम्ब इंसिडेंट, इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं थे. तो इसमें अवध बिहारी, आमिर चंद एंड बालमुकुंद. सो दे वेर बेसिकली इन दिस केस दे वेर इन्वॉल्व. सो जो सबसे पहला ऑप्शन है भागवती चरण वोहरा, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व. वोहरा जी का नाम आता है एक अलग इंसिडेंट में, इफ़ यू कैन मेंशन दैट. हिस्ट्री में एक दूसरा इंसिडेंट है जिसमें भागवती चरण वोहरा का नाम आता है एंड नॉट दिस इंसिडेंट, है ना, बॉम्बिंग के केस में नहीं. ही वॉज नॉट बेसिकली अ रिवोल्यूशनरी, वो रिवोल्यूशनरी नहीं थे. तो हाउ विल ही थ्रो अ बॉम्ब और गेट इन्वॉल्व इन दैट, राइट? सो वन इज नॉट द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द रिवोल्यूशन, अच्छा, हु प्लेड द रोल ऑफ मेडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट. जब हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं, हमको नहीं जाना है, इंडियंस को नहीं जाना है, तो दैट टाइम वाइसरॉय हुज नेम वॉज इरविन, ही ट्राइड टू कन्विंस गांधी कि प्लीज़ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो आपको आना है ना. तो गांधी जी एंड इरविन दे हैड अ पैक्ट कि हाँ ठीक है, तुम सॉल्ट लॉ को मना करो. इरविन ने बोला ठीक है, मोनोपोली आप बनाओ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, सेल करने के बारे में मत सोचना सॉल्ट को. सो दिस इज़ वॉट वी कैन एग्री टू. फिर भगत सिंह का फांसी भी नहीं रोक पाए थे. सो इसमें जो मेडिएटर के रूप में काम किया था इस पूरे इंसिडेंट में, एनी बेसंत तो नहीं, मोतीलाल नेहरू भी नहीं. सो द आंसर इज तेज बहादुर सप्रू. तो वन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द मेन सीट पीथ ऑफ वर्करी सेक्ट इज सिचुएटेड एट. ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था क्योंकि आप लोग को पता है वैसे तो वर्करी सेक्ट जो है दैट का अगेन कहाँ पे ये सिचुएटेड है, कहाँ पे ये स्थित है, ये आपको बेसिकली पूछा गया है. सो सिंस राजस्थान का एग्जाम था, सो मे बी दैट्स वाई दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. सो इट इज़ सिचुएटेड इन योर पंढरपुर में ये आपका सिचुएटेड है. हालांकि इट इज़ लोकेटेड इन द रीजन्स ऑफ मुंबई के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास. ओरिजिन ऑफ द सेक्ट वॉज इन योर कर्नाटका रीजन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. दिस वॉज द ईजी क्वेश्चन. लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? एवरीबडी वॉज हैप्पी, गांधी जी आ गए थे 1915 में. सो लखनऊ पैक्ट इज 1916. सब खुश, हमारा पावर ही पावर. तो सबसे पहले तो लखनऊ पैक्ट हुआ था, बट तीनों ऑप्शन में लखनऊ पैक्ट है. फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी बनाने का ज़रूरत क्या पड़ा? क्योंकि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920 का, दैट वॉज नॉट वर्किंग फाइन. अच्छा नहीं लगा 1922 को. गांधी जी ने वैसे तो दिस टाइम ही सेड कि नो नॉन कोऑपरेशन, अभी नहीं और कुछ, बस बंद करो बिकॉज ऑफ द चावरी चावरा इंसिडेंट. तो 1923 में हमने क्या किया, स्वराज पार्टी को इधर लॉन्च किया. तो लास्ट में स्वराज पार्टी. अब कितने ऑप्शंस बचे? वन पहला और आखिर में फोर. अब हमारे पास ऐसा, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक भी इसमें दिया गया. जलियांवाला बाग में से अगर सबको पता है 1915 को गांधी जी आए, फिर 1916 में जवाहरलाल नेहरू वगैरह के साथ मिले. 1919 को आपका क्या हुआ था? जलियांवाला बैग मसेकर हुआ था ना, अप्रैल 1919. तो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी वॉज इन योर लास्ट. तो थ्री ऑप्शन रहा और फोर ऑप्शन रहा, है ना, थ्री रहा हमारे पास और फोर रहा. थ्री में दूसरा क्या दिया हुआ है? डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक पहले ही उनका डेथ हो गया था. बट बाल गंगाधर तिलक का डेथ पहले हुआ था कि जलियांवाला बाग मैसेकर. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, जलियांवाला बाग मैसेकर पहले हुआ था. तो फोर इज़ द करेक्ट आंसर. फोर इज़ द करेक्ट आंसर. तो स्क्रीन पे दिखा दिया जाए सही आंसर.
4 इज द करेक्ट आंसर. पहले लखनऊ पैक्ट हुआ और लास्ट में आपका स्वराज पार्टी बना. जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1919 को हुआ और बाल गंगाधर तिलक जी का डेथ अगेन आपका उसके बाद में हुआ. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डज नॉट बिलोंग टू गुज्जर प्रतिहारा डिनेस्टी. इसमें से कौन सा रूलर है जो गुज्जर प्रतिहारा डिनेस्टी को बिलोंग नहीं करते हैं. तो इसमें से भरत्रभत्ता 1, ये पता नहीं इस डिनेस्टी से तो ये नहीं बिलोंग करते. अगर आप में से किसी को भी पता है कि ये कौन से डिनेस्टी को बिलोंग करते, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में. प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप इसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है. देखिए बाल गंगाधर तिलक का आप कैसे याद रखेंगे, एक और बात ये भी है क्योंकि शिवानी हैज़ ऑल्सो मैंशन दैट, क्योंकि इसी के वजह से वो डेथ हो गया था ना उनका. तो जब स्वराजिस्ट कह रहे थे कि हमें वापस आना है पार्टी में, तो इट इज़ ईजी टू एक्सेप्ट देम, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक वाले मॉडरेट्स आइडियाज़ अभी जो है वो डेथ है ना, तो इसीलिए इट वॉज ईजी फॉर द कमिंग बैक ऑफ द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट. तो ये भी एक रीज़न था. डज नॉट बिलोंग टू गुजर पे तो कौन नहीं है, स्क्रीन पे दिखा दिया जाए ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ भरत्रभत्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द प्री मेडिवल किंगडम ऑफ राजस्थान द डेजिग्नेशन ऑफ नैमित्तिका, ये कौन सा डेजिग्नेशन था. तो बेसिकली पहले एस्ट्रोलॉजी और आपका जो एस्ट्रोनॉमी था, बोथ यूज टू बी सेम ब्रांच, दोनों साइंस साइंस था, तो ये साइंस से रिलेटेड था, लेकिन आपका एस्ट्रोलॉजर हम इसे कहेंगे, वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर थे. सो 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते रहेंगे. द रिवोल्यूशनरी हु वॉज कन्विक्टेड इन द महंत प्यारेलाल मर्डर केस. महंत प्यारेलाल मर्डर केस में कौन से रिवोल्यूशनरी थे जिनको इस केस में आपका दोषी माना गया. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केसरी सिंह भरत को इसमें आपका ही वॉज इन्वॉल्व इन दिस थिंग. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Who among the following negotiated subordinate alliance of 1917-18 with princely states of Rajputana? उनके साथ subordinate alliance कि आप हमारे subordinate हो. Sub मतलब आपसे नीचे, subdivision मतलब नीचे, subordinate मतलब नीचे. अगर आप हमसे नीचे हो, अगर आप हमसे नीचे हो, इसका क्या मतलब होगा, आपको आर्मी रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू विद द आर्मी, है ना. तो इसको किसने उनके साथ नेगोशिएट किया था, सो दिस पर्सन वॉज नोन बस चार्ल्स मैटकेल. तो स्क्रीन पे दिखा दिया जाए, 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अमोंग द मैथमेटिकल इंडाइसेस द मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी विच वन शोज द मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द हैबिटेट ऑफ अ लोकल स्केल. लोकल लेवल में, लोकल स्केल में कौन है जो स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब एक रीजन में कितने स्पीसीज आपके निकल के आ सकते हैं, ये कौन आपको दिखाता है. तो इसके लिए जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली द अल्फा इंडेक्स. तो 3 जो है इधर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. ओके वुमेन सेंट दयाबाई वॉज अ डिसाइपल ऑफ केरला से बेसिकली शी बिलोंग्स एंड शी इज अ डिसाइपल ऑफ योर सेंट चरणदास. तो वो ऑप्शन नंबर 3 जो है सेंट चरणदास के वो डिसाइपल है. ठीक है स्क्रीन पे दिखा दिया जाए. ओके द डांस फॉर्म रिलेटेड टू गरासिया ट्राइब. गरासिया ट्राइब राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में पाए जाते हैं और उनका जो डांस फॉर्म है उसे हम लोग ऑप्शन नंबर 1 दैट इज लूर कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन द ईस्टर्न घाट्स. यानी कि किधर सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है, मुंबई के पास में ये आपका जो है दैट इज योर सिचुएटेड. तो कौन है ये, बेसिकली सालहेर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. ये आपका मुंबई साइड में वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है, ईस्टर्न में सिचुएटेड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड. झूम कल्टिवेशन असम में होता है, पोंगल आपको याद है तो वही से पोंडू इज इन योर उड़ीसा. ये सभी शिफ्टिंग कल्टिवेशन ही हैं, जैसे कि आपका स्लैश एंड बर्न झूम कल्टिवेशन हो गया, पूनम इज इन केरला, एंड मशा जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो मोस्ट प्रोबेबली मध्य प्रदेश में आपका मशा इज अ फॉर्म. सो नॉट करेक्टली मैच इसमें से कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश मशा इज नॉट करेक्टली मैच. ठीक है तो वहाँ पे वो नहीं होता है, हिमाचल प्रदेश में मशा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच इज़ नॉट
कर. अच्छा बाय द वे मशा शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वेरी रेयर. अगर आपने ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल अगर आपने कहीं पढ़ा होगा देन यू विल सी कि दे विल गिव यू दिस मशा. सो इसने क्यों पूछा, इसीलिए क्योंकि जो आपका झूम कल्टीवेशन असम है दैट इज़ वेरी कॉमन. बाकी तीन कॉमन है तो आपको एलिमिनेट करके इसका आंसर करना था. विच इज़ नॉट अ करेक्टली मैच इंडस्ट्रियल रीजन कंट्री. इसमें से कौन है जो इंडस्ट्रियल रीजन कंट्री करेक्टली मैच नहीं है. ठीक है, साउदर्न न्यू इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, इन जापान इट इज़ योर कांटो प्लेन्स, रोहर जर्मनी बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है. ठीक है, तो वो बिल्कुल है. पो वैली इटली दैट इज़ ऑल्सो प्रोडक्टिव. तो वन और टू में से आपको दिक्कत हो सकता है. तो इट इज़ बेसिकली साउदर्न न्यू इंग्लैंड दैट इज़ नॉट इंडस्ट्रियल रीजन दैट इज़ योर. हमारे यहाँ पे सिर्फ गांव है ऐसा नहीं है, उनके वहाँ पे भी गांव है. सो वन इन दिस केस इज़ योर नॉट करेक्टली मैच. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. अच्छा, स्वेज कैनल पनामा कैनल को उठाते हैं. हम सब लोग को पता है कि स्वेज कैनल और पनामा कैनल कहाँ पे है. पनामा कैनल इज बेसिकली द बिजिएस्ट वन. व्हाई इट इज़ द बिजिएस्ट वन, क्योंकि वो अटलांटिक ओशन ओशंस में से सबसे डीपेस्ट हो गया पैसिफिक और सबसे आपका बिजिएस्ट हो गया अटलांटिक. तो अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करता है पनामा. दैट इज़ माई ऑप्शन नंबर सी, है ना. दैट इज सी के साथ थ्री. अब सी के साथ थ्री दो ऑप्शंस में है, एक ऑप्शन नंबर वन में है और एक ऑप्शन नंबर थ्री में है. ठीक है, अब देखते हैं स्वेज कैनल. स्वेज कैनल किसको किससे कनेक्ट करता है. मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है. दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन. सो डी के साथ क्या होना चाहिए, डी के साथ होना चाहिए वन. अब ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज नॉट वन बट इट इज योर थ्री. तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लिस्ट वन लिस्ट टू यू हैव टू करेक्ट आंसर कोड यू हैव टू आइडेंटिफाई. ओके, देर इज जलौर, जयपुर, अलवर, सियार और दूसरे तरफ आपको दिया हुआ है दैट इज भानगर, बरवादा. अब इसमें से भानगर के बारे में आप सब लोग को पता होगा कि दैट इज ऑप्शन नंबर फोर और इसका लोकेशन जो है दैट इज इन योर फोर के साथ कौन जाएगा, फोर के साथ अलवर, है ना. तो सी के साथ फोर. अब सी के साथ फोर वाला कितने ऑप्शन है, देर इज वन ऑप्शन दैट सेज सी के साथ फोर. अच्छा, तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा. ज्योग्राफी क्लास प्रवीण बेहरा, थैंक यू सो मच. चलो, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज अलवर में भानगर. बताइएगा किस लिए फेमस है, है ना. तो सिर्फ एक से आपका आंसर इधर बन जा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the given hills is an extension of Vindhya range in Rajasthan? अब वैसे आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में जो अरावली है वो गुजरात से लेके दिल्ली तक एक्सटेंड करता है. गुजरात से लेके दिल्ली तक राजस्थान का अरावली एक्सटेंड करता है. ठीक है, तो उसी तरीके से विंध्यास और सतपुरा, तो इसमें से विंध्यास का एक्सटेंशन राजस्थान में कौन सा हिल इज एन एक्सटेंशन. तो ये जो है जिस तरीके से ये क्वेश्चन था बहुत कॉमन था, ये थोड़ा अनकॉमन है, बट ये मुकुंदरा हिल्स का आपका एक्सटेंशन है. तो थ्री स्क्रीन पे दिखा दिया जाए हमारा. संदीप चौहान बिल्कुल सही, थ्री इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मैच लिस्ट वन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड लिस्ट वन और लिस्ट टू. प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया एंड द नंबर इन ईयर. कम्युनिटी रिजर्व्स कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स कितने हैं, नेशनल पार्क्स कितने हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं. तो हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कितने हैं, 103 हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क है. 100 से ज़्यादा, थोड़े से ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स है. तो एक ऑप्शन है जिसमें आपका दो ऑप्शन है, वन के साथ भी है और थ्री के साथ भी है. ठीक है, चलो इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं. नेशनल पार्क ना, नेशनल पार्क 103. ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है यहाँ पे. दोनों ऑप्शन हो गया सेम सेम दैट इज योर नेशनल पार्क सी के साथ वन. अब वन में भी सी के साथ वन है और थ्री में भी सी के साथ वन है. अब मुझे फाइंड आउट करना है नेक्स्ट दैट इज योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इंडिया के केस में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, हमारे पास बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वी हैव अ लॉट ऑफ देम. सो दैट इज़ वाई मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक ऑप्शन में थ्री है, 544 है और दूसरे ऑप्शन में वन में फोर है.
दैट इज 76 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सिर्फ, नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कम है, नहीं है ना, नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारे हैं. सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, स्क्रीन पे दिखा दिया जाए, दैट इज योर 3 इज द करेक्ट आंसर. सो नेशनल पार्क्स कितने हैं उसके हिसाब से हमने इसको निकाला. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल इन कोलेबोरेशन विथ इसरो टू डेवलप, क्या डेवलप करेंगे वो लोग, सोलर सेल्स डेवलप करेंगे. क्यों 2022 में, राजस्थान में धूप है ना, सो 2022 तक दे आर यू नो ट्राइंग टू जनरेट 100 गीगावाट, उसी कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है. सो दे आर ट्राइंग टू डेवलप दी गैस सोलर सिस्टम, GaAS सोलर सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. इसको वो लोग डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, उसी सीरीज से ये आपका बेसिकली क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ स्टेटमेंट आर करेक्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग, कौन सा सही है. मार्बल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन रूल 2002. अब देखिए इसमें से यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा है कौन सा नहीं है. राजस्थान मिनरल पॉलिसी का रूल 2015, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल 2016 और राजस्थान माइनर मिनरल कॉन्सेशन रूल्स, ये जो है 2016. तो इसमें जो दिए गए वर्ष है वो सभी वर्ष आपके सही है. स्टेट PCS के लिए ये एक ट्रिक होता है, आफ्टर आई हैव नॉट गिवन दिस एग्जामिनेशन, सो आई हैव गॉट द क्वेश्चन पेपर एंड आई हैव यू नो गॉन थ्रू द क्वेश्चन पेपर, सो दैट इज़ वॉट इज़ माई ओपिनियन. बट फ्रॉम असम स्टेट PCS आई कैन टेल यू कि कुछ स्टेट PCS में एक ट्रेंड होता है कि ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर होता है काफ़ी समय और नन ऑफ दीज नहीं होता है. बहुत रिस्की है, ऐसा तुक्का नहीं लगाना चाहिए स्टेट PCS में, बट इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मैच द फॉलोइंग करना है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट और कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो आपका लॉन्च किया गया है. ठीक है, सिंधमुख प्रोजेक्ट, जलौर बर्मर प्रोजेक्ट, जलौर पाली एंड जोधपुर प्रोजेक्ट, नर्मदा प्रोजेक्ट, इनको हम लोग को मैच करना है. तो इसमें से मैं जो उठा लेती हूँ दैट इज़ बेसिकली और ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर उठाते हैं. अब बी है, नर्मदा प्रोजेक्ट है. ठीक है, तो ये कहाँ पे है, उदयपुर प्रतापगढ़ में है. ठीक है, एक चीज़ हम इसको उठाते हैं यहाँ पे, नर्मदा, नर्मदा प्रोजेक्ट. ठीक है, अब ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, जोधपुर में तो नहीं है, तो मैं बी के साथ 2 तो नहीं लगाऊंगी. उदयपुर में भी नहीं है, हनुमानगढ़ में भी नहीं है, तो बी के साथ जो मेरा होगा जलौर और बर्मर होगा, दैट इज़ बी के साथ मेरा, बी के साथ 1 हो जाएगा. ये एक श्योर शॉट है क्योंकि नर्मदा तापी है ना, मैप में अगर आप देखोगे है ना, तो यहाँ पे नर्मदा तापी, तो इसमें आ जाते हैं. अब बी के साथ 1 वाले 2 ऑप्शन मिल गया मुझे. ठीक, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल गए. 3 में 4 और 1 सेम है. अब सी और डी के लिए निकालना है, मतलब जवाई प्रोजेक्ट और जकलम प्रोजेक्ट, ये दोनों आप लोगों को पता होना पड़ेगा है ना. तो अगर ये वाला नहीं तो 50-50 पे रह जाओगे, और ये दोनों अगर आपको पता है देन यू विल अराइव एट 3. तो 3 जो है यहाँ पे नीरज चौधरी, बिल्कुल 3 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द डस्ट स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन राजस्थान इन मे जून मंथ्स आर कॉज्ड ड्यू टू, क्यों ये आपके कॉज होते हैं. दिल्ली में जो आपका चलता है, नॉर्थ इंडिया में जो आपका डस्ट स्टॉर्म चलता है उसे हम कहते हैं लू. वेस्ट बंगाल में जो चलते हैं उसे हम कहते हैं काल बैसाखी, फिर आपका मैंगो शावर्स वगैरह अलग अलग जगह पे. असम में जो चलता है उसे हम कहते हैं बॉर्डोइसिला, अलग अलग नाम होता है. तो इधर आपका बेसिकली वो लू कहलाता है. वो किस लिए होता है, ओरिजिन ऑफ कॉन्वेंशनल करेंट्स एट फ्यू प्लेसेस, अरावली हिल्स आर पैरेलल टू साउथ वेस्टर्न विंड्स, इसके वजह से रेनफॉल नहीं आता है. तो बी तो कारण नहीं है, है ना. बट अभी भी 2 ऑप्शन है, 2 एंड 3. सी देख लेते हैं. सी इज ओरिजिन ऑफ फास्ट स्पीडी ईस्टर्ली विंड्स. ईस्टर्ली विंड्स हो गया, यानी कि ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका 30-60, दीज आर बेसिकली योर पोलार ईस्टर्लीस, पोलार ईस्टर्लीस है ना. ये आपका वेस्टर्लीस हो गया, ये आपका ट्रेड विंड है ना, ये साउथ और ये आपका नॉर्थ ईस्ट और ये आपका साउथ वेस्ट. तो ईस्टर्लीस तो इस रीजन में हो गया, तो यहाँ पे सी भी आपका आंसर नहीं है क्योंकि हमारा इंडिया इस वाले रीजन में है. सो दैट इज़ वाई इन दिस केस विच विल बी योर करेक्ट आंसर, 2 only is the correct answer, that is only option number A, origin of conventional currents. Next question, okay, that is your, what is the percentage of urban population in India and Rajasthan respectively as per census 2011. Sirf Rajasthan PCS mein ye question pucha ja sakta hai, that is your option number 2, 31.15 se 24.87 is the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन राजस्थान. राजस्थान के अंदर इसमें से कौन सा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आपका है? जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री साउथ के तरफ आपका ज़्यादा पाए जा रहे हैं, एंड मार्बल इंडस्ट्री, दैट इज़ डी. मार्बल के लिए तो फेमस है ही है, तो डी तो होगा ही होगा. पर डी आप तो देख लीजिए, सब में डी है. ए भी होगा ही होगा, जिंक वो भी आपका सब में है. तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर, दैट इज़ सी. सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सिर्फ नहीं है, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एज पर सेंसस 2011, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर हैविंग लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन देयर टोटल पॉपुलेशन. अगर आप पूरा स्टेट वाइज देखोगे तो एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, बेसिकली क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे जंगल, सो मध्य प्रदेश के अंदर हाईएस्ट नंबर है. अब राजस्थान में पूछा गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें आपके ये पॉपुलेशन जो है, ठीक है. तो बीकानेरी भुजिया, बीकानेर, तो बीकानेर इज़ द रीजन दैट हैज़ योर लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन. तो बीकानेर और नागौर डिस्ट्रिक्ट, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट आपका है. फोर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रपोज्ड ऑयल रिफाइनरी एट पचपदरा बारमेर इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ. किस किस का ये जॉइंट वेंचर है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान तो होगा ही, तो ए और डी बी दोनों हैं. एक में आपका ऑयल एन है, दूसरे में आपका एच पी सी एल है. तो कौन सा ज़्यादा लग रहा है सही? तो योर एच पी सी एल इज द करेक्ट आंसर. सो टू इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. राजस्थान इज ऑलमोस्ट अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स. जिंक तो प्रोड्यूस करता ही करता है, ठीक है. लेकिन ऑप्शन नंबर आप देखिए, जिंक जो है वो ए और वन और टू दोनों में है, तो 50-50 में तो आ गए, है ना. जिंक राजस्थान 50, जिंक हो गया, माइका हो गया, तो वन और टू में तो आप आ गए हो, है ना. माइका के लिए ऑल्सो फेमस. अब आ गया है कॉपर ओर्स, और आपको सिलेक्ट करना है वोलेस्टोनाइट में से एक को सिलेक्ट करना है. तो कॉपर ओर्स कंपेरेटिवली लेस, क्योंकि उसके लिए आप फिर इस रीजन में आ जाओगे, इस रीजन में आप ज़्यादा आ जाओगे, है ना. तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? ऑप्शन नंबर टू. बोर्ड पे एक बार दिखा दिया जाए सही आंसर. टू इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. फ्रॉम विच एरिया ऑफ राजस्थान द मैक्सिमम क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वॉज रिसीव्ड इन द ईयर 2017-18? तो कहाँ से सबसे ज़्यादा आया था? बीकानेर नगौर से नहीं आया था, बरमर से आया था. अगेन गुजरात के पास मिला हुआ, गुजरात में ऑयल रिजर्व है ना, तो आपको इसलिए गुजरात के पास मिला हुआ इसको सोचना है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर. हु हैज़ ऑथर्ड गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया? इस बुक का ऑथर कौन है, किसने इस बुक को लिखा? तो इसको किसने लिखा? एक्सेप्ट कॉपर ऑल, नीरज चौधरी, करेक्ट, एक्सेप्ट कॉपर ऑल, ठीक है. तो इस बुक को आपका लिखा है नारायण अग्रवाल, श्रीमान नारायण अग्रवाल. सो फोर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिगार्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें, कल यहाँ पे जो रिसेंटली फ़ोन आया था, दिस वॉज रिगार्डिंग, कल एक लोकेशन पे हम जाएंगे, दैट इज़ इन योर हरियाणा. जितने लोगों को नहीं पता है, सो दिस इज़ अबाउट द सेम थिंग. ओके, एनीवेज, सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब हर कोई जो 18 साल से ऊपर है वो वोट कर सकता है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट बेस्ड बोला जा रहा है इस केस में. इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. दूसरा, द रिजल्टेंट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस. हमारे यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे और उसका रिजल्टेंट हमारा होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज, इट वॉज नॉट अ मल्टीपल पार्टी बॉडी. एक से ज़्यादा पार्टी, मल्टीपल पार्टी बॉडी यहाँ पे नहीं होगा. ये करेक्ट है कि गलत है, ठीक है, कौन सा सही है ये बोलना है. एंड लास्ट इज, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़. अब देखिए, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, ये स्टेटमेंट तो सही है ना, दैट इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, बहुत सारे कमिटीज़ इस केस में हमारा लगा है. दूसरा जो है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी. जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना रहे थे, उसके बाद हमने इस चीज़ को किया है कि चलो एडल्ट फ्रेंचाइजी इस केस में रखेंगे, उससे पहले नहीं. सो दैट इज़ वाई ए एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो स्क्रीन पे दिखा दिया जाए इसका सही आंसर.
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाई सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज प्रेसिडेंट मे बी प्रोवाइडेड इंसर्टेड बाई. तो 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एज ऑफ जज के बारे में यहाँ पे डिसीजन दिया. प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट का जज है तो 65 ईयर्स, हाई कोर्ट का है तो फिर 62 ईयर्स वहाँ पे आपका वैलिड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट करेक्ट मैच अबाउट डिस्ट्रिक्ट मैस्कॉट. कौन सा आपका करेक्ट मैच नहीं है. तो डिस्ट्रिक्ट मैस्कॉट के लिए अगेन ग्रेट इंडियन बस्टर जैसलमेर के लिए है. दिस इज़ अ फेमस वन. ये वाला है जो चारों में से सबसे फेमस है. बिलवारा के लिए पीकॉक, दिस इज ऑल्सो द फेमस वन. लायन इज नॉट फॉर सवाई माधोपुर. क्यों? क्योंकि अगेन आप याद कीजिए गुजरात राजस्थान है ना, तो गुजरात गिर पे आप फिर लायन की तरफ आ जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज वेयर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्शन जो है आपका इसके लिए कंडक्ट किया गया था. करेक्ट कोड कौन सा है ये आपको प्रोड्यूस करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज वेयर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1926 का इलेक्शन, 1945 का इलेक्शन, दोनों ही इसके तहत आपका हुआ था. सो टू जो है ए बी सी तीनों, दैट इज बेसिकली द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारे यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली और पुडुचेरी का स्टेटस थोड़ा सा अलग है, दो देयर यूनियन टेरिटरीज, दे हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और बाकी आपका यहाँ पे बाकियों का स्टेटस थोड़ा अलग है. तो आर्टिकल 240 के तहत प्रेसिडेंट्स कैन यू नो डिसाइड समथिंग्स उसके रिगार्डिंग कौन सा नहीं है. 240 का वन इज फॉर लक्षद्वीप, 241 का बी इज फॉर लक्षद्वीप, डी इज फॉर दमन एंड दीव, ए इज फॉर अंडमान एंड निकोबार, एंड सी इज फॉर पुडुचेरी. अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सी इज फॉर पुडुचेरी. विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजिंग हिज पावर डिक्लेयर्ड बाय प्रोक्लेमेशन दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्टेड वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वॉज थ्रेटन्ड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेज. पहली बात, अभी इंटरनल डिस्टर्बेंसेज से कोई भी नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगा. पहले था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के वजह से भी लग गया था. अभी स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंस रूल लगेगा, नॉट इन केस ऑफ योर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 1975 का इमरजेंसी के बारे में बात हो रहा है. सो दैट इज़ योर 26th of June. बट अगेन दो आपके यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें 25th भी है, 26th भी. आंसर 25th of June, 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सिलेक्ट दी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन कौन सा केस है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ था. गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, वेरी फेमस केस. केशवानंदा भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, वेरी फेमस केस. पहले केशवानंदा भारती हुआ था, फिर गोलकनाथ हुआ था. तो पहले बी, उसके बाद सी. तीन ऑप्शंस हैं, 1, 3 और 4. दोनों में पहले बी है, बाद में सी है. अब बाकियों को भी देखना पड़ेगा. मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सबसे लास्ट में, मतलब बी सी और मिनर्वा मिल्स, उससे आपका आगे आ जाएगा, है ना. मिनर्वा मिल्स सी, दैट इज़ योर मिनर्वा मिल्स. अब क्या होगा, सबसे लास्ट में किस में है, बी है और उसके बाद सी है. आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 में पहले आपका बी है और उसके बाद आपका सी है, है ना. अब पहले गोलकनाथ, फिर केशवानंदा भारती, फिर मिनर्वा मिल्स, ए बी सी. तो यहाँ पे ए पी गोपालन का एग्जैक्ट ईयर आपको नहीं याद रखना है. ए बी और सी को एक्चुअल में इसमें अरेंज करना था, पहले ए फिर बी और फिर सी. ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4, है ना. गोलकनाथ, केशवानंदा भारती, मिनर्वा मिल्स, दैट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following were members of Swaran Singh Committee 1976? Swaran Singh Committee 1976 के इनमें से कौन कौन थे जो मेंबर थे. अंतुलय वॉज अ मेंबर, एस एस रे वॉज अ मेंबर, सी एम स्टीफन वॉज अ मेंबर. तो यहाँ पे हरिदेव जोशी जो है, दिस पर्सन वॉज नॉट अ मेंबर. तो सी जिसमें नहीं है, दैट इज योर. अच्छा, अब 1 और 4 दोनों में सी नहीं है, दिस मे हैव बीन अ प्रिंटिंग मिस्टेक. तो यहाँ पे 1 और 4 दोनों ही आपका सही आंसर है. तो स्क्रीन पे
अच्छा तो इसमें अच्छा एक गलती इसमें यहाँ पे ये है कि सी जो है हरिदेव जोशी वॉज अ मेंबर, हरिदेव जोशी वॉज अ मेंबर, सो प्लीज चेक इट वंस, हरिदेव जोशी वॉज अ मेंबर एंड सी एम स्टीफन वॉज नॉट अ मेंबर, है ना? ओके चलो आई विल ऑल्सो चेक इट वंस एंड आई विल ऑल्सो मैंशन दैट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिनेंशियल कमिटीज ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिनेंशियल कमिटीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, कौन कौन सा है जो इंडियन पार्लियामेंट का फिनेंशियल कमिटीज हमारे यहाँ पे है, ये आपको पूछा जा रहा है. एस्टिमेट्स कमिटी, येस इट इज. पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, बिल्कुल है. कमिटी ऑफ पब्लिक एंटरटेकिंग, बिल्कुल है. जॉइंट कमिटी ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा कमिटी नहीं है, है ना? तो ए बी एंड सी दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर. नमित, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर एस, किसके तरह हम निकाल, सबसे पहले प्रेसिडेंट को निकाल सकते हैं इम्पीचमेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को निकाल सकते हैं सिमिलर टू द मैनर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बाकी इन जो ये जो बड़े बड़े पोस्ट है दैट इज जिनके पास पर्स है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, इनको निकाल सकते हैं सिमिलर टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना? मतलब वही हुआ बट वी यूज द वर्ड प्रेसिडेंट के लिए ओनली इम्पीचमेंट. तो 4 दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो हमने सेटअप किया था कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया था, तो हमने इसको किया था संथानम कमिटी के रिकमेंडेशन से. तो यहाँ पे 4 जो है हमारा दैट इज बेसिकली द करेक्ट आंसर. राकेश एंड जितेश कुमार आप लोगों का आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 2 और क्वेश्चंस करके फिर हम लोग आगे नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे. इन विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज ऑरिजिनेटेड, यूपीएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, आरपीएस में आपका आरएएस में दोबारा ये क्वेश्चन आया. तो हमने यूएसएसए से ये आपका प्रावधान लिया है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सा सही है. इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंदर 87 के अंदर क्या करते हैं, ठीक है. इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर इन जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इन द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस. अच्छा इसमें थोड़ा सा आपका घोटाला है ऑप्शंस में, तो इसके इसको स्किप कर देते हैं, फुल बोर्ड पे आ जाते हैं. क्या होता है 87 के अंदर व्हेन देयर इज अ जॉइंट सिटिंग देन इन दैट केस द प्रेसिडेंट विल असेंबल, बट जॉइंट सिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे ही आपका जॉइंट सिटिंग विल टेक प्लेस, दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, राइट. सो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.